सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको अपना सेटअप दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस को बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हो ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ ऐसी है और इसे हम कहते हैं ग्रीन स्क्रीन। और एक यूट्यूबर जो फेस कैम वीडियोस बनाता है उसके लिए एक जादुई पर्दे की तरह काम करता है। अगर आपके पास में ये है तो आप पीछे का बैकग्राउंड कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो, जस्ट लाइक रेड, ऑरेंज, ब्लू, फिरोजी, जो आपकी मर्जी हो वो बैकग्राउंड आप रख सकते हो। सो अभी जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सोनी के अल्फा 6100 कैमरा से और लेंस जो लगा हुआ है वो है 50mm का लेंस। और सामने का मैं बता देता हूँ कि सामने का सीन कैसा है। ये जो सीन हम देख रहे हैं ये यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है और वो रहा वो कैमरा जहाँ से ये वो वाली वीडियो शूट हो रही है, ठीक है। और इधर हमने एक इको लाइट लगा रखी है, अम्ब्रेला लाइट। वहाँ पर हमारा पीसी रखा हुआ है, वहाँ पर चेयर है, वो हमारा माइक वहाँ पर है और यहाँ पर हमारा एक और पीसी रखा हुआ है। और ये बैकग्राउंड आपने देखा होगा मेरे कुछ स्टार्टिंग के वीडियोज़ में। और इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स से बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम शुरुआत करते हैं लेंस से कि कौन सा लेंस मैं अपने वीडियो को शूट करने के लिए यूज़ करता हूँ। सो ये रहा वो लेंस, ये सोनी का 50mm का लेंस है। इस लेंस की खास बात यह है कि हमें अपर्चर मिलता है f1.8 का। सो इस लेंस में अपनी वीडियो को मेनली शूट करता हूँ, लेकिन क्लोजअप शॉट के लिए आप ये वाला लेंस यूज नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर और यहाँ पर रखा हुआ है हमारा सबसे मेन पीसी। और ये जो मॉनिटर आप देख रहे हो ये है सैमसंग का 2K मॉनिटर और इसका रिफ्रेश रेट है 144Hz। क्या कमाल का मॉनिटर है, मजा आया था एडिटिंग करने में। और इसी के साइड में यहाँ पर रखा हुआ है हमारा ये CPU और इसमें हमने प्रोसेसर लगवा रखा है AMD का Ryzen 7 3700X एंड इसमें ग्राफिक कार्ड 6GB का है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। सो 6GB का ग्राफिक कार्ड और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही कमाल की एडिटिंग इससे होती है। इस ओवरऑल इस पूरे पीसी का अगर मैं कॉस्ट आपको बताऊं तो इस पूरे मॉनिटर और इस सीपीयू दोनों को अगर मिला दें तो इसका टोटल कॉस्ट होता है 1,30,000 का। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। माउस कीपैड की अगर हम बात करें तो माउस कीपैड हम दोनों पीसी में लेनोवो को ही यूज करते हैं क्योंकि हमको स्टार्टिंग से आदत पड़ी हुई लेनोवो को यूज करने की। और माउस पैड की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं पबजी का दे दिया पीसी वाले ने। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक पबजी एंड फ्री फायर डाउनलोड नहीं करा है और ना ही मुझे खेलना आता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे माइक्रोफोन की। ये रहा वो माइक जिससे कि हम अपने दीपक दया चैनल पर वॉइस ओवर करते हैं। इस माइक का नाम है ब्लू स्नोबॉल माइक और इसका प्राइस मुझे पड़ा था 5000 का, मैंने अमेजन से इसको परचेस किया था। यहाँ अपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मैं क्या यहाँ पर मैं बैठा था और इस माइक को मैंने इस ये जो इसका रियल स्टैंड है और ये वो स्टैंड है जहाँ मतलब कि इसमें हम इसको फिट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा कि मैं यहाँ पर बैठा था और बैकग्राउंड मैंने RGB लाइट जलाई थी, अभी नहीं है फिलहाल, मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो यहाँ पर मेरा माइक मैं फिट कर लेता हूँ और इस माइक की वायर एक होती है, प्लग एंड प्ले डायरेक्ट सिस्टम होता है इसका। सो इस तरह से हम अपनी फेस के वीडियो को शूट करते हैं। वहाँ पर मैं कैमरा रखता हूँ और यहाँ पर बैठ करके मैं अपनी वीडियो को शूट करता हूँ। सो अब हम बात करते हैं इन फ्रेम्स की। तो सिल्वर प्ले बटन जो हमें मिलता है उसके साथ में मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था तो उसकी मैंने यहाँ पर एक फ्रेम बनवा रखी है। और गोल्डन प्ले बटन जो हमारा आता है उसके साथ में भी एक सर्टिफिकेट मिलता है तो उसकी फ्रेम मैंने यहाँ पर बनवा रखी है। और ये कोट आपने मेरे बैकग्राउंड में जरूर देखा होगा, टीम वर्क डिवाइड द टास्क एंड मल्टीपल द सक्सेस। तो जिसको नहीं पता उसमें बता दूं कि हमारी टीम भी है एडिटर्स की। तो अभी रिसेंटली 3 एडिटर मेरे साथ काम करते हैं जो कि मेरी एडिटिंग भी करते हैं और कुछ क्लाइंट्स हैं उनकी एडिटिंग भी करते हैं। सो इसलिए मैंने कोट्स लगा रखा है, ये कोट्स मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि टीम वर्क से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। इधर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ है, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि एक मैंने क्रश कोर्स किया था, फ्री कोर्स था किसी फॉरेनर का। तो वॉइस अपनी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स थी तो वो मैंने यहाँ पर नोट कर ली थी जो मेन मेन पॉइंट्स मुझे लगे थे। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं मैंने एक फ़ोन का मैंने कवर मंगाया था उसके साथ में एक स्टिकर आया था तो वही ये स्टिकर है। तो यहाँ पर कोट है, इफ़ आई ट्राई माई बेस्ट एंड फेल वेल आई हैव ट्राई माई बेस्ट। अगर आपने अपना बेस्ट दिया और उसके बाद अगर आप फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, आपने अपना बेस्ट दिया यही काफ़ी है। और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो इस कोट का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आप वीडियो बनाते हो अपना बेस्ट दो, उसके बाद में अगर आपकी वीडियो में व्यूज़ ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने अपना बेस्ट दिया, यही हैबिट आपको बहुत ऊँचे मुकाम पर पहुँचाएगी। सो ये है, यहाँ पर हमने भगवान की तस्वीर वगैरह रख रखी है। तो इसको हम ओपन करते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो यहाँ पर रखी हुई है हमारी बुक्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कई सारी बुक्स यहाँ पर रखी हुई है, कई सारी में से मैंने पढ़ ली है, कई सारी पढ़ना भी बाकी है। और ये जो बुक्स रखी हुई है इनमें से मैंने अभी तक एक भी नहीं पढ़ी क्योंकि सोच रहा हूँ किसी फैक्ट चैनल वाले को गिफ्ट कर दूं। और यहाँ पर रखा हुआ है मेरे इसी वॉच का बॉक्स और नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ फ्रेम्स रखी हुई है, मैंने अभी तक इन्हें
लगाई नहीं है वॉल पर। और यहाँ पर रखी हुई हमारी RGB लाइट्स, आपने वीडियो के बैकग्राउंड में देखा होगा। और यहाँ पर हमारा कैमरे का बॉक्स, उसके बाद यहाँ पर आता है ये माइक का बॉक्स, ब्लू स्नोबॉल माइक का बॉक्स, और यही है यहाँ पर। और उसके बाद हम इधर आते हैं तो यहाँ पर आप देखो ऊपर यहाँ पर एक पुरानी खराब एक सेल्फी स्टिक रखी हुई है, और उसके साइड में यहाँ पर एक ये बॉक्स है वोया माइक का, और ये पॉप फिल्टर। अगर आपने मेरा वॉइस वाला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि इसका क्या यूज होता है। वहां पर देखिए वहां पर एक कोर्स लिखा हुआ, वी आर फ्रेंड्स, वी आर सक्सेसफुल, वी वर्क टुगेदर, वी आर अ टीम। और उसी के साइड में आता है हमारा यहाँ पर गोल्डन प्ले बटन दीपक भैया का, और यहाँ पर है सिल्वर प्ले बटन, ये देखिए। और इस सिल्वर प्ले बटन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब कि अमेरिका से इंडिया में आने में इसको टाइम लगा था 5 दिन, और इंडिया से ही इंडिया में मेरे यहाँ पर आने में इसको लगे थे 3 महीने। बहुत ही कमाल का सिस्टम होता है इंडिया का। और यहाँ पर मैंने कुछ ओकोस्टिक फोम लगा रखी है, आप सबको पता ही होगा कि इससे इको थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फोम लगा रखी है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने ये एक कप रख रखा है यूट्यूब का, और ये जो मॉनिटर आप देख रहे हो ये है BenQ का 27 इंच फुल HD मॉनिटर। और वो जो मॉनिटर मैंने आपको बताया था वो था सैमसंग का 2K मॉनिटर, और ये है फुल HD मॉनिटर। सो मैं आपको बता दूं कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है Audacity, तो इसको हम यूज करते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। इसके बाद आता है Adobe Photoshop, थंबनेल हमारे इससे ही बनते हैं, लेकिन अगर आप फोन से अच्छे थंबनेल बनाना चाहते हो तो इसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। इसके बाद आता है यहाँ पर प्रीमियर प्रो, इसी से हमारी वीडियो एडिट्स होती है, और कभी कभी हम फिल्मोरा से भी एडिट कर लेते हैं, नीचे आफ्टर इफेक्ट और मेन यूट्यूब, और यही सॉफ्टवेयर है इसमें। और यहाँ पर रखा है हमारा ग्लास, कंप्यूटर से जो ब्लू लाइट निकलती है उसी से हमारी आईज को बचाने के लिए ये ग्लास बना हुआ है। सो ये है ब्लू कट ग्लास। और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे पेन स्टैंड, और ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था कागज का बना कर। तो यहाँ पर हम ड्रॉअर को ओपन करते हैं, तो ड्रॉअर में क्या क्या है, तो यहाँ पर रखे हुए मेरे ओप्पो के ईयरबड्स, और ये RGB लाइट्स के रिमोट्स, एंड हाइलाइटर का पैकेट, और ये मेरे सैमसंग फोन का कवर यहाँ पर है। फोन अभी फिलहाल खराब हो चुका है तो बिना फोन की जिंदगी चल रही है, सर्विस सेंटर गया हुआ है, पता नहीं कब आएगा। और यहाँ पर रखा हुआ हमारा ये CPU, दिखने में भले आपको थोड़ा चोमो टाइप लग रहा होगा उसके मुकाबले, लेकिन इसमें भी हमने AMD Ryzen 5 का 3500X इंस्टॉल करवा रखा है प्रोसेसर, और इसमें भी प्रोसेसिंग काफी अच्छी होती है, ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता ही है। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने वाइबर कनेक्शन लगवा रखा है, कभी कभी इसकी स्पीड 15 MB/s रहता है तो कभी कभी 15 KB/s। और लाइटिंग की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अम्ब्रेला लाइटिंग, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सॉफ्ट बॉक्स ही यूज करें, मेरे पास रखी हुई थी तो मैं यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी आने वाले टाइम में सॉफ्ट बॉक्स पर शिफ्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक सिंपेक्स की एक और अम्ब्रेला लाइटिंग रखी हुई है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये रहा हमारा ट्राइपॉड, इस पर आप फोन भी फिट कर सकते हो, कैमरा भी फिट कर सकते हो, ऑलराउंडर है और काफी मजबूत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ट्राइपॉड। और यहाँ पर लगा रखा है हमने एक मिरर, यानी बाल वगैरह ठीक करने के लिए, एक्टिंग वगैरह करने के लिए, रिहर्सल वगैरह करने के लिए, मतलब आपको मत। और यहाँ से हम कैमरा को स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप पीछे एक रूम है, पीछे रूम में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर एक बेड है, तो हम यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बेड रखा हुआ है, और यहाँ पर एक मॉनिटर आपको दिख रहा होगा। तो अभी हमने रिसेंटली एक BenQ का मॉनिटर परचेस किया, तो ये मॉनिटर इसे यहाँ पर रख दिया। ये था हमारा सेटअप, आई नो कि इतना प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आप में से जो भी उस शादी से जुड़े हुए उन्हें पता होगा कि हमारा एक नया ऑफिस बन रहा है, तो उसका व्लॉग भी जरूर आएगा, कुछ टाइम लगेगा लेकिन व्लॉग जरूर आएगा। ये था हमारा सेटअप, इसमें आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी, क्या क्या चीजें इंप्रूव हो सकती है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो करना, प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ये था आज का ब्लॉग, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक लिए गुड बाय।